हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरती कुशवाहा और आज की जो वीडियो है अगेन एक पीरियड स्टोरी होने वाली है। एक दिन की बात है यहाँ पे। एंड ये जो वीडियो है मैं बहुत पहले से सोच रही थी शूट करने की, बट ड्यू टू सम रीजंस ये जो वीडियो है शूट नहीं हो पाई। बट फाइनली दिस इज हियर और आई थिंक बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे और एक गर्ल भी थी वो काफी टाइम से इसके लिए रिक्वेस्ट भी कर रही थी। तो ये जो वीडियो है बेस्ड होने वाली है पीरियड को स्टॉप करने वाली मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि ये मेडिसिन मैंने ट्राई की थी। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा सारी चीजें यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। और कभी आप ये सोचो कि ये मेडिसिन आपको लेनी है तो आप ये पहले वीडियो देख लो, उसके बाद ही आप फैसला करिएगा। इस मेडिसिन का जो नाम है वो नोरेथिस्टेरॉन है। आई थिंक मैं जो नाम है वो सही से प्रोनाउंस करूं, नोरेथिस्टेरॉन। और नाम स्पेलिंग जो है मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, एंड ऑफ कोर्स टाइटल मैं तो लिखूंगी ही इसका नाम। एंड ये मेडिसिन मैंने ली थी अपने लिए पीरियड स्टॉप करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सा पीरियड को डिले करना। और ये मैंने कोई रीजन से नहीं कि कोई फेस्टिवल था या कोई ओकेशन था किसी कारण से, बस मुझे इसको ट्राई करना था, जानना था कि ये कैसा काम करता है, एक्चुअली इसका जो पूरा रिजल्ट है कैसा रहता है। तो एक दिन की बात है, मैं शॉप पे गई, मेडिकल शॉप जो होती है वहां पे गई एंड मैंने उनसे बोला कि मुझे पीरियड स्टॉप करने वाली मेडिसिन चाहिए है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कितनी चाहिए है, तो मैंने जो है वहां पे 3 बस मांगी थी। और उसमें जो मेडिसिन की जो पावर होती है वो 5 mg की होती है। 5 mg इज पावर, ठीक है। एक जो छोटी सी टेबलेट होती है ना, एक पीस होता है, उसका जो पावर होता है वो 5 mg होता है। एंड नेट पे मैंने जब सर्च किया था, क्योंकि मेडिसिन लेने से पहले थोड़ा सा मैंने नेट पे सर्च किया था इसको, तो यूट्यूब पे वीडियो तो कुछ खास नहीं मिल रही थी इसको लेके, बट नेट पे जो लिखा हुआ जो रहता है गूगल पे मैंने जब इसको सर्च किया तो उसमें लिख रहा था कि एक दिन में जो है 50 ग्राम जो है 15 mg आई थिंक जो है उसको कंज्यूम करना है। 15 mg जो पावर थी उसको कंज्यूम करना है। मीन्स कहा जाए तो मेडिसिन जो थी 5 mg की थी, तो वो पूरी टोटल जो 3 थी वही मुझे खानी थी। 5 5 5 दैट इज 50, और एक दिन में 15 खानी थी। तो मैं श्योर नहीं थी नेट को लेके भी कि, क्योंकि ऐसा कोई मुझे ना यूट्यूब पे मिला जिनने एक्सपीरियंस किया हो और अच्छे से बताया हो। तो फिर मैं वहां पे गई, शॉप पे गई एंड मैंने वहां पे जाके मेडिसिन ली। मैंने वहां पे 3 ली थी। मैं एक्चुअली कॉलेज जा रही थी एंड उस टाइम जो सिचुएशन थी, मेरा पेट जो है वो दुखने लगा था। मैं श्योर हो गई थी 1 या 2 दिन में पीरियड जो है मेरे पक्का आ जाएंगे, पक्का से पक्का, क्योंकि मेरा जो पीरियड पेन होता है उससे मुझे काफी अच्छे से समझ में आ जाता है कि पीरियड कब आने वाला है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने मेडिसिन ली और कॉलेज में गई, तो कॉलेज में जाके ही तुरंत मैंने एक जो उसमें से थी टेबलेट वो मैंने ली और मैंने उसको पी ली, ठीक है। मींस कहा जाए तो पानी पी लिया, मेडिसिन जो है मैंने खा ली थी। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मुझे गर्मी गर्मी टाइप सा लग रहा था, ओके था उस टाइम पे। एंड पेट जो था दुख ही रहा था, ठीक है। जब मैं घर आई तो भी पेट जो है वो दुख रहा था, तो मुझे लग रहा था शायद मैंने जो है एक ही खाई है, आई थिंक मुझे एक और खानी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने शाम को रात टाइम पे एक और टैबलेट ली। मुझे लग रहा था कि शायद एक से काम नहीं बनेगा, पीरियड आ जाएंगे, उसके बाद मैंने वो टैबलेट ली, ठीक है। तो उसको खाने के बाद 2 बार मैंने टैबलेट ली थी, जो कि 10 mg था पूरे एक दिन का। कहा जाता है कि 3 टैबलेट लेनी चाहिए, आई डोंट नो, मैं किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हूं, तो पहले वीडियो पूरा देख लीजिएगा। एंड उसके बाद जो है मैंने 2 टैबलेट खा ली पूरे दिन में और उसके बाद मैं सो गई एंड सेकेंड डे एकदम नॉर्मल हो गया। दूसरे दिन जो था टैबलेट खाने के बाद एकदम नॉर्मल था, तीसरे दिन नॉर्मल चला गया। मीन्स फिर मुझे लगा कि हाँ शायद रुक गया है आई थिंक। उसके बाद मैं सही बताऊं तो 4-5 दिन तक जो मुझे पीरियड है वो नहीं आया था, बट जिस हिसाब से मेरा पेट दुख रहा था मैं श्योर थी पीरियड मुझे 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ये जो मेडिसिन थी इसने काफी अच्छे से असर किया था। एक्चुअली इसको कहा जाता है कि पीरियड आने के 1-2 दिन पहले लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी गर्ल्स इसलिए खाती है, कभी अचानक से फेस्टिवल आ गया या फिर कहीं घूमने जाना है वेकेशन पे और वो नहीं चाहती कि ये जो है पीरियड उस टाइम पे आए, तो वो ये टैबलेट कंज्यूम करती रहती है कंटिन्यू, ताकि जो पीरियड है वो डिले होता जाए, पीरियड आए ना। तो मुझे जो है लगभग 5-6 दिन तक जो है पीरियड नहीं आया था इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो रिजल्ट को लेकर बात करूं तो रिजल्ट इसके काफी अच्छे थे, काफी अच्छे से इसने काम किया था। मेडिसिन खाने के बाद जो मेरा पीरियड है वो रुक गया था, नहीं आया था, ठीक है। आई वॉज लाइक हाँ यार अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बट जब नेक्स्ट मंथ, जब इसके बाद मीन्स नेक्स्ट मंथ हो गया था क्योंकि एंडिंग चल रही थी वो मंथ की, एंड जब मुझे पीरियड आना था, जो कि यही वाला पीरियड जो आना था जो मैंने मेडिसिन खा के स्टॉप किया था, वही पीरियड जब मुझे आया था, तो मुझे जिंदगी में, मैं सही बता रही हूँ, वो पीरियड मेरा ऐसा पीरियड था, मैंने वैसा पेन कभी फील नहीं किया था लाइफ में। मैं
पीरियड टाइम पे कभी रोई नहीं थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे इतना ज्यादा तीखा, इतना ज्यादा शार्प और इतना ज्यादा पेन हो, कभी भी मेरी लाइफ में नहीं हुआ था। बाय गॉड कसम से वो ऐसा मेरा पीरियड था जो मैं हमेशा याद रखूंगी। इतना ज्यादा पेन हुआ था उस टाइम पे, बहुत हद वाला दुखा था। मैं इधर ही पे इसी बेड में मैं पड़ी रही थी और जो पैर था उसको मैं ऊंचा करके रखी थी, शायद थोड़ा हो सके पेन कम हो। मेरे आंसू निकल आए थे, मैं रोने लग गई थी। मम्मी भी थी वहां पर उस टाइम पे, मम्मी पूछी क्या हो गया, तो मैंने बोला मम्मी बहुत ज्यादा पेट दुख रहा है। तो उस टाइम पे उनके माइंड में भी ये चीज आई, मम्मी को नहीं मालूम थी, उनके माइंड में भी ये चीज आई कि कभी इसको इतना पेन नहीं हुआ है पीरियड में। एंड इवन अभी भी उनको नहीं मालूम है, बट उनके आया था, उन्होंने बोला कि कभी इतना पेन तो नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे कभी नहीं हुआ था उतना पेन जिस हिसाब से वो पेन हुआ था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो गर्ल जो होती है, जब बहुत सारी गर्ल्स जो होती है उनका पीरियड पेन काफी तेज होता है, काफी तेज होता है। मैंने अपने सामने अपनी फ्रेंड को देखा, उसको फीवर आ जाता है, कहा जाए तो बेहोश हो जाती है, हद वाला। उस दिन जब मुझे रियलाइज हुआ था कि ये होता है पीरियड पेन, बहुत ज्यादा हुआ था। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे पीरियड में इतना ज्यादा पेन नहीं होता है, बट वो जो महीना था, वो जो पीरियड था उस टाइम का, बहुत ज्यादा दर्दनाक टाइप था, बहुत ज्यादा हार्ड पेन, शार्प पेन हो रहा था उस टाइम पे मुझे। एंड एक मैंने क्या किया था, मेरे पास जो है जो हॉट वाटर बैग होता है ना, वो था मेरे पास, शुक्र रहे कि वो था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कभी वो यूज नहीं किया, बट स्टिल मैंने उनको परचेज करके रख लिया था। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपके पास जो है हॉट वाटर बैग होना चाहिए। वो जो है इलेक्ट्रिक वाला था मेरे पास, मैंने दिखाया भी है मेरी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हो। एंड डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो वो जो हॉट वाटर बैग था उसको मैंने गर्म किया, मम्मी को अर्जेंटली काम था, किसी आंटी के घर जाना था तो वो वहां चली गई थी। एंड वहां पे स्विच बोर्ड है सामने, एंड उसके बाद जो है मैंने लगाया, वो गर्म हुआ, एंड मैं वापस आई, लेटी, उसको जो है मैंने अपने पेट पे रखा, एंड तब जाके धीरे धीरे जो पेन था वो काफी कम हो गया। मैंने उस पीरियड में रो दिया था, मेरे आंसू निकल आए थे, जो कि कभी किसी पीरियड में नहीं निकला मेरा, ना ही उसके बाद आज तक निकला है। एंड उस टाइम ब्लीडिंग को लेके बात करूं, जो मेरी ब्लीडिंग आ रही थी वो अजीब सी, ब्राउन से भी ज्यादा, मीन्स कहा जाए तो एकदम डार्क सी, सूखी हुई सी पहले तो निकली। स्टार्टिंग में जो ब्लड निकला था एकदम ड्राई सा, सूखा हुआ सा निकला था, जो कि पैड पे लग गया था, एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, वो मैंने देखा था। तो वो कहा जाता है ना खून के थक्के या क्लॉट वगैरह कहा जाता है, जो जेली टाइप का निकलता है, वो काफी अजीब था, ठीक है। एकदम जो नॉर्मली निकलता है वो फ्रेश सा निकलता है, उसको देख के लग रहा था कि काफी पुराना हो गया है, सूखा सा था, थोड़ा ब्लैकिश सा था, ब्राउनिश काइंड का था, एंड उस टाइप का जो था वो निकल रहा था। और पेन थोड़ा उस वक्त मुझे पीरियड में ज्यादा हुआ था, एंड इसका रिजल्ट मेरे ऊपर नेगेटिव रहा। स्टार्टिंग में लगा वाओ इट इज वर्किंग, बट उसके बाद जो पीरियड मैंने डील किया था वो बहुत ज्यादा बेकार था, वर्स्ट था, एकदम बेकार पीरियड रहा था मेरा। एंड उसके बाद से मुझे एक इश्यू हुई, 2-3 महीने वो इश्यू हुई थी स्पॉटिंग की। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत सारी गर्ल्स अभी फेस भी कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा इंप्रूव करिए, खाने पीने में इंप्रूव करिए, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड इट इज नॉर्मल एक्चुअली कि जो है स्पॉटिंग हो जाती है, बट उसमें क्या हो रहा था ना, मेरा जो पीरियड है 6 डे चलते हैं ज्यादा से ज्यादा, 5 to 6 डे, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा जो पीरियड था उस टाइम पे 5 डे में खत्म हो गया, 6th, फिर उसके बाद मैंने जो है नहा लिया, अच्छे से बाल वगैरह धो लिए, अच्छे से हाइजीन कर लिया, लाइक मेंटेन कर लिया था। एंड देन उसके बाद जो दूसरा दिन था, उस दिन बिल्कुल पीरियड नहीं आया, मैंने पैड एकदम निकाल दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे पीरियड 5 से 6 दिन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन बस, नहीं तो हमेशा 5th डे में एंड हो जाता है। उसके बाद 6th डे नहीं आया, 7th डे भी नहीं आया, मैं बिल्कुल नहीं था ना कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि पीरियड आएगा। उसके बाद 8th डे में जो था वो जो स्पॉटिंग हो गई, अचानक से मुझे लगा कि निकल रहा है, मैं सोची कि वाई डिस्चार्ज हो, बट जब मैंने चेक किया तो वहां पे ब्लड था। एंड ये जो था, ऐसा नहीं है कि उसके 1 मंथ बाद रिपीट हो रहा था, उसके दूसरे मंथ भी सेम चीज मेरे साथ हुई। फिर उसके बाद मैं डरने लगी कि आई थिंक ये चीज वापस से होगी, तो फिर मैं पेंटी लाइनर मैंने लगाया, उसके बाद लगाती रही कंटिन्यू, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज ठीक हो गई थी। तो आई डोंट नो अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, जो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे रहा बहुत ज्यादा खराब रहा। ये जो मेडिसिन है नोरेथिस्टेरॉन बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा नाम हो सकता है गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये जो मेडिसिन है, बहुत सारे लोग पीरियड टाइम पे बहुत ज्यादा जो हैवी ब्लीडिंग होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो आप मुझसे पूछोगे कि दीदी क्या मैं इसको यूज कर लूं, मुझे कहीं जाना है, वेकेशन पे जाना है, या इधर जाना है, या फेस्टिवल आ रहे हैं, मेरे पीरियड आ जाएंगे, कोई भी त्यौहार आ रहा है, XYZ, होली हो, दिवाली हो, या ये हो या वो हो, और आप मुझसे बोलो कि दीदी क्या मैं ये टैबलेट ले लूं ताकि मेरा जो पीरियड है थोड़ा सा डिले हो जाए। मैं बोल रही हूं आप पीरियड फेस कर लो, मेंस्ट्रुअल कप यूज करके फेस कर लो, बट डोंट यूज दिस मेडिसिन। और मैंने जो है बिना डॉक्टर
डॉक्टर के रिकमेंड के ही यूज कर ली थी, तो डॉक्टर को रिकमेंड करो। और वैसे भी अगर मैं डॉक्टर से बात भी करती, अगर वो मुझे सजेस्ट कर देते, तो ये चीज जो मैंने फेस की थी वो तो होनी ही होनी थी। बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन अगर हो, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो यूज करो, अगर आप मुझसे पूछो तो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, 1% भी नहीं बोलूंगी कि आप इसके लिए जाओ। बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस रहा था उस दिन का बहुत ज्यादा खराब रहा था, बहुत ज्यादा। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी कि प्लीज आप उसको लिए जाओ या उसको ट्राई करो, नेवर, कभी भी नहीं। बहुत ज्यादा खराब एक्सपीरियंस रहा था, रिजल्ट को लेके काफी खुश थी, बट उसके बाद जो इम्पैक्ट रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट, और ऐसा भी नहीं था कि 1 महीने का, 2-3-4 महीने तक जो है उसका इम्पैक्ट मुझे दिखा था, जो नेगेटिव था, जो साइड इफेक्ट था उसका, पॉजिटिव इफेक्ट का मुझे नहीं मालूम, वो तो अलग ही जाए, नेगेटिव बहुत ज्यादा खराब था। तो मुझे ऐसी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है जिनका रिजल्ट कुछ इस टाइप से रहे। मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसके लिए जाओ, और उम्मीद करूंगी इस एक्सपीरियंस से आप कुछ गेन करोगे, बिकॉज आई थिंक एक्सपीरियंस से ज्यादा नॉलेज गेन की जाती है। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था मैंने आपको बता दिया है। इनकेस अगर आपने कभी ट्राई किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज आप मुझसे शेयर करिएगा, एंड मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप इसके लिए जाओ। और उम्मीद करूंगी ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड स्टिल कोई डाउट रहता है इस टॉपिक को लेके, इस मेडिसिन को लेके, तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।